देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैनपुरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बारातियों को लेकर जा रही तेज रफ्तार बस फिरोजाबाद के एका से गांव छता जनपद इटावा जा रही थी, जो थाना घिरोड़ क्षेत्र के करहल मार्ग पर कोसमा के निकट रेलवे क्रॉसिंग के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में डेढ़ दर्जन से भी अधिक बाराती घायल बताए जा रहे हैं। बस के पलटते ही वहां चीख पुकार मच गए, जिसे देख आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों के द्वारा ही सूचना देने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई तथा पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से बस में फंसे घायल सभी बारातियों को निकाल कर जिला अस्पताल मैनपुरी में भर्ती कराया। इसमें से चार लोग थोड़ा गंभीर रूप से जख्मी है, वो सेक्टरी रेफर किए गए हैं। वहाँ SDM SFI और SDM करहल और EDM साहब यहीं पर SFI में वहाँ प्रशासन से बात हुई है। बाकी 14 लोग यहाँ जिला अस्पताल में हैं, जिनको फर्स्ट एड यहाँ दिया जा रहा है।